मैं आप लोगों को शब्द पढ़ा रही हूँ, ठीक है। शब्द क्या है? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, मतलब दो वर्ण मिलकर जो अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मतलब जिस शब्द का अर्थ हो, जिस शब्द का मतलब हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कलम क प्लस ल प्लस म, तो क्या हुआ? कलम ये वर्ण मिलके दो दो तीन, दो या दो से अधिक यानी दो एक दो तीन, क्या दो तीन वर्ण मिलकर एक अर्थपूर्ण, जिस शब्द का अर्थ वह शब्द बनाता है। जैसे कलम, कलम का क्या अर्थ हुआ? कलम से हम लिखते हैं, विद्या अर्जित करते हैं, तो कलम का अर्थ हुआ, ठीक है। तो यह अर्थपूर्ण शब्द बना, तो यानी यह सार्थक शब्द हुआ क्योंकि इस शब्द का अर्थ हुआ। घर दो वर्ण मिलके एक शब्द बना, ठीक है। घर का मतलब मकान होता है, जिसे दो वर्षा से हमारी रक्षा होती है, यानी घर का मतलब मकान हुआ, इस शब्द का अर्थ हुआ, यानी यह शब्द सार्थक हुआ। इसी जगह पे र और घ ये भी शब्द, ठीक है ना शब्द, लेकिन र घ का कोई मतलब नहीं हुआ या इस शब्द का कोई अर्थ नहीं हुआ, यानी यह शब्द जो है सार्थक नहीं है, यह शब्द निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक में, तो मतलब दो शब्द मिलकर, दो वर्ण मिलकर एक अर्थपूर्ण वाक्य शब्द बनाते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द बनाते हैं, ठीक है। शब्द के प्रकार को उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और पूर्व विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में भाग बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम
नाम का मतलब समान, उसके समान। तो संस्कृत के वे शब्द जिसका बिना रूप बदले हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे हम संस्कृत के वे शब्द जिसका बिना रूप बदले, हिंदी में हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, ग्रीन, कार्य, रात्रि, आम। अग्नि अग्नि संस्कृत शब्द, लेकिन हम हिंदी में भी अग्नि, आग को अग्नि बोलते हैं, तो हम इसका बिना रूप बदले हिंदी में भी इस शब्द का, अग्नि शब्द का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि हम लोग संस्कृत तो बोलते नहीं है, हिंदी ही बोलते हैं, तो हिंदी में अगर हम अग्नि बोलते हैं तो यह हिंदी हुआ, तो इसका बिना रूप बदले हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। गृह, गृह मतलब घर, यानी गृह कार्य होता है स्कूल में होमवर्क, तो गृह शब्द संस्कृत शब्द है, लेकिन हम बिना इसका रूप बदले हिंदी में भी गृह को, घर को गृह कहते हैं, तो इसका बिना रूप बदले हम इसका हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। कार्य, कार्य का मतलब काम, तो इस शब्द का प्रयोग भी हम बिना रूप बदल कर हिंदी में करते हैं। रात्रि को रात बोला जाता है, लेकिन हिंदी में भी हम रात्रि बोलते हैं, तो इसका बगैर रूप बदले हम इसका हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। आम, आम का मतलब आम होता है, तो इसका बिना रूप बदले हम इसका, इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी करते हैं। तो क्या ये हो गया, तत्सम हो गया, जिसका बिना रूप बदल कर, बिना बदले उसे, बिना चेंज किए उस शब्द का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। संस्कृत शब्दों को उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तद्भव, तद का मतलब उससे और भव का मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न, ठीक है। यानी संस्कृत के, संस्कृत के वे शब्द जिसका रूप बदल कर हम उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं तो हम उसे तद्भव कहते हैं।
संस्कृत के हुए शब्द जिसका रूप बदलकर हम उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, संस्कृत के वे शब्द जिसका रूप बदलकर हम उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है यानी यह तत्सम है। तत्सम में बगैर रूप बदले उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, तो अग्नि तत्सम है और इसका रूप बदलकर हम आग करते हैं। अग्नि को आग भी बोला जाता है तो यह हिंदी शब्द है, तो इसका अग्नि का रूप बदलकर हम आग करके का हिंदी में प्रयोग करते हैं तो यह क्या हुआ? तद्भव हुआ। रात्रि संस्कृत शब्द है यानी यह तत्सम है, इसका रूप बदल के हम रात करके रात्रि को रात करके हिंदी में प्रयोग करते हैं तो यह क्या हुआ? तद्भव हुआ। आम्र को आम तत्सम शब्द है यानी यह संस्कृत शब्द है, इसका हम आम्र को आम करके हिंदी में इसका परिवर्तन करके हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं यानी आम क्या है? तद्भव है। आम्र तत्सम है, संस्कृत शब्द है। ग्रीक संस्कृत शब्द है लेकिन इसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, लेकिन यह संस्कृत शब्द है यानी यह तत्सम है और ग्रीक को हम बदलकर घर करके हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? यह तद्भव हुआ। संस्कृत शब्दों को हिंदी में प्रयोग करके अगर उसका हम प्रयोग हिंदी में बदल कर उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और ज्यों कहते हो उसका रूप बगैर रूप बदले अगर संस्कृत शब्द है बगैर रूप बदले उसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो गया? तद्भव हो गया। ठीक है, इसका रूप बदल कर प्रयोग करेंगे तो वह तद्भव होगा और इसका रूप नहीं बदलेंगे वह तत्सम हो। आज के लिए इतना ही है, अब अगले क्लास में